ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो कैसे उनके इशारों पर हमें नचा दिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो स्टोरी है ये ओडिशा में एक बंदे के साथ हो चुकी है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम रघु था, जिसके साथ ये स्टोरी घटी। रघु बेसिकली जो है शहर में पला बड़ा था, उसके माता पिता शहर में ही थे, लेकिन उसके पिताजी को काफ़ी सारा लॉस हो गया था बिजनेस में, और रघु की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें शहर का सब कुछ बेचकर गांव में शिफ्ट होने की नौबत आ पड़ी थी। रघु और उसकी फैमिली गांव में शिफ्ट हो गए थे। अब रघु भी 20-25 साल का था और उसके फादर काफ़ी ओल्ड हो चुके थे, तो उसके फादर वर्क नहीं कर पाते थे, तो गाँव में ही रघु ने छोटा सा एक अपना बिजनेस शुरू कर दिया और रोज़ साइकिल से जाता और साइकिल से ही घर आता, तो उसकी जो लाइफ है वो अच्छी खासी कट रही थी। रघु अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहा था छोटे से बिजनेस में, और उनका जो फैमिली है वो अभी काफ़ी खुशी से रहने लगी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खुशी बहुत जल्द मातम में बदलने वाली है। एक दिन ऐसे ही रघु अपने काम से वापस आ रहा था, 4 बजे का वक्त होगा, 4 बजे मतलब शाम के चार बजे हुए थे, और रघु साइकिल से ही वापस आ रहा था, तो जो सड़क थी उस पर काफ़ी चहल पहल थी, क्योंकि गांव में लोग जो है वो खेतों में 5-6 बजे तक काम ही करते हैं, तो काफ़ी सारे लोग गांव में काम कर रहे थे, धान की कटाई चल रही थी उस समय, और रघु अपनी साइकिल से घर की तरफ निकल रहा था। उसके जो कुछ गांव के दोस्त थे, आज रघु को घर जल्दी पहुंचना था, तो उसे उसके जो गांव के दोस्त थे उनकी कुछ बातें याद आ गई। उन लोगों ने कहा था, तेरे घर की तरफ जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी है, अगर तुझे कभी देरी हो जाए तो उस रास्ते से चले आना, क्योंकि वो लोग जो है वो कभी भी उस बातों पर विश्वास नहीं करते थे जो गांव वालों ने सुनाई थी, और रघु उस रास्ते पर निकल पड़ता है। काफ़ी देर आधे घंटे तक रघु साइकिल चलाता है, लेकिन फिर भी उसे मेन रोड कहीं दिखाई नहीं देता। जैसे ही रघु उस रास्ते की ओर जाने लगता है, वो रास्ता एकदम सुनसान था, वहाँ पे कोई नहीं था, और जो आजू बाजू के खेतों में लोग काम कर रहे थे वो भी सिर्फ रघु को ही देखे जा रहे थे कि ये इस रास्ते पर क्यों जा रहा है, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हो। लेकिन रघु को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था, रघु उस रास्ते पर चल गया। आधा घंटा साइकिल चलाने के बाद भी रघु को उसकी मंजिल दिखाई नहीं दे रही, मतलब सीधा रास्ता ही दिखाई दे रहा था और मेन रोड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो अचानक उसे एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की 5 बजे हुए थे, काफ़ी अच्छी छाव थी, तो रघु को लगा चलो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता। रघु उस पेड़ के नीचे बैठ गया आराम करने के लिए, और जैसे ही आराम करने के लिए बैठा तो उसे इतनी ठंडक महसूस हुई वहाँ पे, क्योंकि गर्मी के दिन चल रहे थे, उतनी ठंडक महसूस हुई कि उसने सोचा कि चलो एक आध झपके आधा घंटे की आँख लगाई मतलब एक झपके लगा ही लेते हैं, तो उसने वहीं पर लेट गया, उसका गमछा वगैरह बिछाया और वहीं पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे पेड़ से कुछ तो गिरा ऐसा आवाज़ हुई, और वो सीधा उसके हाथ के बगल में गिरा, मतलब बॉडी के बगल में गिरा हुआ था, तो उसने देखा तो क्या है क्या गिरा, तो वो एक सिंदूर की डब्बी थी। उसने उसे खोलने की कोशिश की लेकिन वो खुली नहीं, तो उसने उसे पूरे ताकत से खोलने की कोशिश की, तो सारा जो उसके अंदर का सिंदूर था वो उसके मुंह पर और आंखों में चला गया, तो उसने उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने सोचा साइकिल के पास थैली है उसमें पानी की बॉटल है तो उससे मुंह धो लूंगा, तो जैसे उस कैसे करके उसने साइकिल धोनी और वहाँ से पानी की बोतल निकाल कर मुँह को धोया, जैसे उसे दिखने लगा मुँह धोने के बाद जैसे ही दिखने लगा तो उसने क्या देखा कि एक लड़की उसके सामने खड़ी, काफ़ी अजब और गरीब उसने कपड़े पहन रखे थे, और रघु को देखकर वो काफ़ी अजब तरीके से हंस रही थी। रघु उसके पास गया और बोला कि आप कौन है, आपको क्या चाहिए और आपको कोई मदद चाहिए क्या, लेकिन वो लड़की कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, कोई उसे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, और अचानक वो लड़की भागकर पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। रघु को लगा ये क्या हुआ, क्योंकि कोई भी अगर सवाल पूछे तो उसका जवाब देते, यूँ भाग के पेड़ के पीछे नहीं छुपते, और वो पेड़ के पीछे से रघु को देख रही थी। रघु ने सोचा चलो मैं देखता हूँ, शायद डर गई होगी, तो रघु गया और पेड़ के पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, तो उसे लगा कहाँ गई, वो आजू बाजू देखने लगा तो उसे पेड़ के ऊपर से एक आवाज़ आई, जैसे उसने ऊपर देखा वही लड़की पेड़ के ऊपर बैठी हुई। रघु ने जैसे उस लड़की को देखा तो रघु के पूरे मुंह पर जो खून है उसकी छींटे छिड़कने लगी, क्योंकि उस लड़की के बॉडी से पूरा खून निकल रहा था। रघु काफ़ी डर गया, उसने अपनी साइकिल ली और ज़ोरों से पैडल मारते हुए वहाँ से निकल गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक चकमे में फंस चुका है।
उसने 15 मिनट काफी तेज साइकिल चलाई कि और पीछे ही देखता रहा कि कहीं वो लड़की मेरे पीछे तो नहीं आ रही, और काफी तेजी से साइकिल चला रहा था। तो 15 मिनट के बाद रोड एकदम सीधा था, तो उसे अपने कुछ ना कुछ तो आगे जाना चाहिए था, क्योंकि वो जो सड़क थी वो गोल नहीं थी, सीधी सड़क थी, लेकिन वो घूम फिर कर उसी पेड़ के पास आता था। ये काफी देर तक चलता रहा ये सिलसिला, और रघु को लगा अभी चाहे आत्मा है या कुछ भी हो मेरी जान ही क्यों ना ले ले, लेकिन मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं काफी थक चुका हूँ। तो उसे वो लड़की फिर से दिखाई दी, वो उस लड़की के पास गया और माफी मांगने लगा, मैं आज से किसी भी चीज मतलब आप इस रास्ते पर कभी नहीं आऊंगा, आपकी कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ऐसा गिड़गिड़ाने लगा और मुझे इस बार जाने दो। तो वो लड़की काफी अजीब तरीके से उसे देखकर फिर से हंसने लगी। रघु ने आग बंद कर ली और कुछ मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप कर लिया। तो थोड़ी देर बाद उसके पीठ पर एक हाथ पड़ा, उसने आगे देखा तो वो लड़की गायब थी, और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो बाकी सारे गांव वाले थे, क्योंकि गांव में एक यूनिट रहती है कि अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा हो तो उसे सारे लोग मिलकर समझाते। तो वही रघु के साथ हुआ, और रघु को उस लोगों ने बताया, बेटा इस पेड़ के पास भूलकर भी कभी मत आए। और उस दिन से रघु ना ही उस रास्ते से कभी जाता है और ना ही गांव वाले कभी किसी को उस रास्ते पर जाने देते। आपको स्टोरी